तो लो गाइस, मैंने इस खेत पे तो कर दिए भाई सेट वीट वाले पे, राजपूत सुमन पम्मा पन्नू। तो यहाँ खड़े हैं भाई तीन हार्वेस्टर, चलो इनमें से लेते हैं फटाफट वीट, निकालते हैं अपनी ट्रॉली के अंदर। तो लो भाई, अब लगाते हैं यहाँ पे लैटिस, अपना ट्रैक्टर ये लगाएगा फेंडेट हैदराबाद लेकर हाइपर फास्ट हाइपर टेस्टी। तो ये गई भाई अपनी आज स्ट्रॉ। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है भाई आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। वेलकम बैक टू स्टार्स गेमिंग चैनल। तो दोस्तों, आज मैं फिर से खेलने वाला हूँ फार्मिंग सिमुलेटर 19 और ये है वाइल्ड वेस्ट 16x मैप और ये है भाई 1000 मिलियन डॉलर चैलेंज का तीसरा पार्ट। तो भाई मैंने एक छोटा सा प्लो लिया था 4 मीटर का, उसको मैंने कर दिया 50 मीटर का, क्योंकि इतना बड़ा प्लो आता नहीं। अगर इतने बड़े बड़े खेतों में मैं इससे प्लो करूँगा तो भाई बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने इसको हैक कर लिया थोड़ा सा। तो मैंने अब लिया भाई 9811 और यहाँ पर लगा हुआ अपना दूसरा वाला फेंडेट। तो एक प्लो मैंने यहाँ लगा रखा है 50 मीटर का और ये फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं और भाई दोनों घूम के भी आ रहे हैं फर्स्ट क्लास और अपना काम प्लोइंग कर रहे हैं। तो मैंने लिया था हिंदुस्तान का, लेकिन इसकी हिच ऊँची है, थोड़ी सी ऊँची हिच है, तो ये काम नहीं कर रहा था सही तरह, यानी कि प्लो नहीं कर रहा था। तो मैं इसको लगाने वाला हूँ अब हार्वेस्टर पे, उस पर सॉरी यार अपने सीडर पे, तो मतलब प्लांटर पे प्लांटिंग। अब मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ऐसे फसलें लगाऊंगा जो जिनका रेट ज़्यादा है, जैसे लेटिस होती है, टमाटर भी है इसमें, गाजर भी है और प्याज हो गई जैसे, तो इनका रेट भाई मिलता बहुत ज़्यादा, तो मैं लगाने वाला हूँ वो। और मैं कुछ फील्ड भी खरीदने वाला हूँ, अभी उस फील्ड पर क्या लगा हुआ है मुझे नहीं पता, तो मैं देखता हूँ उन फील्ड के ऊपर क्या क्या फसलें लगी हैं, अगर लगी होंगी तो काट लेंगे, नहीं लगी होगी तो कुछ लगा देंगे। तो अभी चलता हूँ उस खेत पे, ज़रा पहले मैं इसको काम पे लगा दूँ, क्योंकि इधर से तो प्लोइंग काफ़ी हो गई है, तो भाई ये कर देगा फटाफट से अपना हिंदुस्तान मेरी जान आ जा। तो अब फसल अगर देखी जाए तो भाई इसमें अगर रेट देखा जाए तो देखते हैं, यहाँ पर आगे चल के थोड़ा सा भाई हो गया अपना आलू, ये हो गई अपनी शुगर बीट का रेट भी इसमें 257 है, कम है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो अभी देखते हैं लैक्टिस वगैरह का रेट, अल्फा साइलेज भी अच्छा। तो ये होगी भाई गाजर और ये प्याज, भाई इनका रेट है 1400 दोनों का। और ये होगी अपनी क्लोवर नहीं लगानी अभी मुझे, और लैक्टिस का रेट है भाई 1500। तो लैक्टिस और इसका प्याज का इनका रेट ज़्यादा है, तो लैक्टिस हमें मिलती है बहुत ज़्यादा। और भाई इस रेड कैबेज का रेट भी 1500 है, टमाटर का रेट कम है, अब टमाटर कम मिलेगा ज़्यादा मिलेगा अभी पता नहीं है। तो कैबेज इसमें रेड कैबेज है, कैबेज नहीं है इसके अंदर क्या? ओ भाई इसके अंदर कैबेज नहीं है देखो। बाकी ये स्ट्रॉ पलेट है, ये बना सकते हैं, ये मोलासेस हो गया, ये मोलासेस मैंने आपको बताए थे पहले कैसे बनते हैं। तो अभी मैं लगाता हूँ इसमें लैटिस, देखते हैं लैटिस से कितना फ़ायदा होगा। तो मैं लैटिस का बीज सेट कर लूँ, ज़रा देखता हूँ इसमें लैटिस लगेगी भी इससे कि प्लांटर दूसरा लाना पड़ेगा। पॉपुलर तो इससे नहीं लग रही, तो प्लांटर भाई दूसरा लेना पड़ेगा मेरे को एक। अच्छा तो इससे शुगर बीट लग रही है, ओके। तो एक काम करते हैं पॉपुलर, यार पॉपुलर से भी अच्छा पैसा मिलता है, तो पॉपुलर लगा लिया जाए क्या? तो मैंने प्लोइंग तो कर दी है, कुछ भी फसल लगा सकता हूँ मैं अच्छी सी, तो पॉपुलर लगा देते हैं, पॉपुलर से भी अच्छा पैसा मिलता है। इसमें देखते हैं पॉपुलर का रेट एक बार, यार मैं देख लूँ जरा भाई, एक सेकेंड जरा, पॉपुलर में रेट, पॉपुलर का कितना पैसा मिलता है, इसमें रेट कम है, बहुत कम ही ना हो ना, तो वुड चिप बनेंगे, तो ये वुड चिप बनेंगे 1000 भाई, 1137 रुपये रेट है भाई, तगड़ा रेट है इसका। चलो इसको लगाते हैं और यहाँ पे प्लांटर को, और फिर चलते हैं देखते हैं कुछ खेत खरीदते हैं, कुछ ज़मीन भाई लेंगे। और भाई इस खेत से तो गुजारा नहीं होने वाला, अभी तो सिर्फ 10 मिलियन ही हुए हैं। तो एक भाई का कमेंट आया था, कह रहा बधाई हो एक आपने भाई 1% तो कर ही लिया, मतलब 1 मिलियन का, 1000 मिलियन का 1% तो हो ही गया 10 मिलियन। तो यहाँ लगा देते हैं पॉपुलर और यहाँ लगाते हैं हेल्पर, ओके यहाँ लगा देती पॉपुलर, वंतिक आ गया। और ये देखो दोनों भाई अभी लगे हुए हैं, देखो दो बंदे लगे हुए हैं और कितना टाइम लग रहा है भाई अभी। तो मैंने यार थोड़ा सा हैक कर लिया गेम को हल्का सा, वैसे तो प्लो है 20-25 मीटर का, लेकिन फिर वो मुझे 4 लगाने पड़ते और ये 2 लगाए हैं भाई, तब भी काम नहीं चल रहा। तो चलो अब चलते हैं हम दूसरी तरफ, देखो ये सही प्लो कर रहा है क्योंकि इसकी हिच नीचे है, हिच नीचे होने से फ़ायदा है।
चलो अब चलते हैं लैंड पे। तो मैं सोच रहा था कि एक नंबर या दो नंबर को ले लूंगा। तो ये दोनों पे अगर देखा जाए तो दोनों दोनों खेत हैं 2.27 2.7 मिलियन के। तो इसको करते हैं बाई एक को और दो को। तो इसको मैं करने वाला हूँ अभी बाई एक को, और ये हो गया भाई दो। तो ये दोनों अपने हो गए। अब यहाँ चलते हैं मैन्योर सेल पे। अरे यार इसको नहीं खरीदना, एक मिनट। अब यहाँ चल के देखता हूँ भाई दोनों में क्या लगा हुआ। तो यहाँ पर वीट लगी हुई शायद। तो ये क्या हुआ? अच्छा, रेडी टू हार्वेस्ट वीट। वीट मिलेगी हमें इससे 9,74,000, 1 मिलियन के आसपास। और ये फील्ड नंबर है एक। तो काफ़ी बड़ा है भाई ये फील्ड। कितना है देखो, लैंड के ऊपर क्लिक करके देखते हैं भाई, 272 एकड़। और इसमें भी 272, वैसे तो इसमें भी दिखा रहा है। तो ये 272 एरिया का है, टोटल लैंड दिखा रहा है 272, वैसे है 200 200 एकड़। तो भाई बहुत हो गई 200 एकड़, 200 200 400 एकड़ हो गई। तो मैं वीट की स्ट्रॉ अपनी इकट्ठी कर लूँगा और बेच दूँगा, तो भाई फ़ायदा हो जाएगा। ये खेत बहुत बड़े बड़े हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, 4 हार्वेस्टर इसमें लगाता हूँ, 4 उसमें लगाता हूँ, 8। और अभी मेरे पास बचे हैं $5 मिलियन। तो मैं चलता हूँ एक बार कोने के ऊपर, और यहाँ पर हार्वेस्टर फटाफट बाइक किराए पे लाता हूँ और यहाँ पे शुरू कर देता हूँ काम। ठीक है, तो चलो मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद। देखते हैं फटाफट आज क्या होने वाला है। तो लो गाइस, मैंने इस खेत पे तो कर दिए भाई सेट वीट वाले पे, राजपूत सुमन पम्मा पन्नू। तो अभी जा रहे हैं भाई, अभी राजपूत की एक लाइन भी नहीं पूरी हुई भाई देखो। तो ये गिरीश राजपूत ने बनाया था मोड, वही लगा दिया मैंने। अभी मेरे पास ये मोड है भाई। आज मेरे पास 600 मोड थे, मैंने सबकी छटाई कर दी है, छटाई कर दी। काफ़ी सारे मोड मैंने हटाए हैं, अब सिर्फ मेरे पास बचे हैं 175 मोड। पहले मेरे पास थे 600 के आसपास भाई। पिछले 2 साल से मेरे पास इतने सारे मोड थे, बेकार बेकार मैंने सारे हटा दिए। इस मैप में जो दिक्कत थी ना, वो दिक्कत भी अब सही हो गई है। जो मशीन हमारी घूम नहीं रही थी, मतलब जो हेल्पर फंस जाता था, वो प्रॉब्लम भी अब सॉल्व हो गई। मैंने इसको टेस्ट किया था मैप को थोड़ी देर पहले, तो वो जो हर्बिसाइड की और लिक्विड फर्टिलाइज़र की मशीन थी, जब उसका सामान ख़त्म हो जाता है तो हेल्पर खड़ा हो जाता है। तो भाई ये बहुत बढ़िया बात है। तो चलो हेल्पर का काम ख़त्म हो गया भाई। खेत लंबा बहुत है भाई ये, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। इसको मैं अभी लगाऊंगा। तो पीछे से अभी दूसरा हेल्पर आ रहा है, तो इसको मैं एक बार सेट कर दूँ जरा इधर, तो ताकि भाई ये आपस में टकराए ना। तो दो भाई इसको काटेंगे, दो भाई उसको काटेंगे। तो अभी मुझे इसको लेफ्ट में घुमाना है। अगर देखता हूँ लेफ्ट में चला गया तो अपने आप ही बढ़िया है। और भाई इससे स्ट्रॉ मिलने वाली है बहुत ज़्यादा, 5-6 मिलियन। तो स्ट्रॉ बेच देंगे यार, इतनी सारी क्या करेंगे। अब इतनी सारी बेल तो मैं बनाने वाला नहीं हूँ, देखते किधर को जाएगा ये। चल चल चल, घूम भाई घूम। हाँ भाई सही, ठीक है ठीक है, ओके भाई ठीक है। ये अपने आप घूम गया है, और देखते हैं वहाँ पे किसने काम ख़त्म कर दिया। अच्छा, अनिल का काम हो गया भाई। ओके, इसको रोकते हैं, हेल्पर को बाहर कर देते हैं एक बार। हेल्पर को बाहर भाई, प्लोइंग होगी अपनी। देखो भाई, ये मैंने इसलिए बनाया, 50 मीटर के बनाए हैं वैसे, तो ये 500 मीटर का भी बन सकता है, 5000 मीटर का भी बन सकता है। तो इनको मैं अभी बाहर खड़ा कर देता हूँ, बाद में इनको सेट करूँगा। अभी वो प्लांटर वाला आएगा, तो अभी मेरे पास प्लांटर दूसरा मेरे को लेना पड़ेगा। उसके अंदर फिर मुझे फिर मैं लैटिस, एक में लैटिस लगा दूंगा, एक में गाजर या प्याज लगा दूंगा। तो भाई काटेंगे अगली बार, बहुत बड़ी खेती होगी 3 फील्ड के अंदर भाई, मज़ा आएगा। तो देखते हैं, अगर आज ही हो गई तो आज टाइम मिले तो आज ही कर दूंगा, नहीं तो भाई अगली बार होगी। तो ये देखो, वो ट्रैक्टर का साइज़ देखो भाई, अपना साइज़ देखो कितना छोटा लग रहा है उसके सामने। चलो तो चलो चलते हैं वापस। अभी ये वंतिक भाई कर रहा है, देखते हैं इसके अंदर बीज वगैरह। तो पहले इसके अंदर सीड था भाई 75,000, मैंने इसकी कैपेसिटी अप कर दी है सीड की 2 लाख, क्योंकि बार बार भरना पड़ता है। तो वैसे तो अपना मोड मैंने पास में लगा लिया है, तो चैलेंज के अंदर तो भाई ऐसे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बड़े मोड भाई बनाने ही पड़ेंगे। 1,000 मिलियन डॉलर चैलेंज आसानी से नहीं होगा। नहीं तो 75,000 भी बहुत थी वैसे। इस गेम के अंदर जो सबसे बड़ा मोड है इसका, फर्टिलाइज़र का और सीड का, जो प्लांटर है सबसे बड़ा, वो 35-40 हज़ार का है। 35-40 हज़ार मतलब उसकी कैपेसिटी है। तो और बड़े बड़े भी आते हैं, वो भी लगा सकते हैं, तो लेकिन वो बेकार है। ये अपना प्लांटर बहुत बढ़िया है, ये कल्टीवेटिंग भी करता है और भाई प्लांटिंग भी करता है और सारी फसलें लगाता है। तो चलो हिंदुस्तान को लगाने देते हैं इसको, और हम चलते हैं अभी वापस। इस ये लगा देगा भाई अपना। और अब मुझे काटनी है कनोला, तो 2 नंबर। अरे अरे यार, ये 22 नंबर खेत। ओ हो, अच्छा।
ओ मैं भाई मैं गलती से उधर चला गया था यार, खेत नंबर 22 पे नहीं जाना था। एक मिनट, ओहो भाई एक मिनट एक मिनट एक मिनट, तो ये एक नंबर है। और चल भाई इन्फॉर्मेशन देर से आती है। अच्छा लैंड एरिया 2 उधर है भाई। ओहो हो, मैं चला गया था 22 नंबर पे। ओहो ये गलती कर दी। और देखो ये तो उजड़ा पड़ा है। एक मिनट, तो यहाँ पे बार्ली लगी थी भाई, कटिंग। ओ भाई खेत तो बहुत बकवास है यार ये भाई, इतना ऊंचा खेत है ये देखो। ऊंचे ऊंचे खेत में क्या होता है, हार्वेस्टर काम नहीं करते। ये बहुत ऊंचा भाई, बहुत ऊंचा। वो वाला खेत सही है, ये वाला खेत तो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा है यार। ओह भाई ये देखो बहुत ज़्यादा स्लोप है। एक मिनट, इसके आगे कौन सा खेत नंबर है भाई, 26। ये तो बेकार है यार, यार 2 नंबर तो बेकार निकला यार, छोड़ो यार मज़ा नहीं आया। एक मिनट, 42 नंबर भाई, 42 नंबर को देखें कितने का है ये भाई, 8 मिलियन का है, अभी नहीं खरीद सकते। तो ये 2 नंबर तो बेकार ही निकला भाई, इस पे कोई मज़ा नहीं है। इतना ऊंचा खेत है, इस पे पता नहीं कटिंग होगी नहीं होगी। चलो एक बार करके देखते हैं, अगर बेकार लगेगा तो यार कर देंगे इसकी, तो इसको बेच देंगे। तो एक बार चेक कर लेता हूँ 2 नंबर को प्लोइंग की ज़रूरत है कि नहीं, तो नहीं प्लोइंग की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है कि जिसमें प्लोइंग की ज़रूरत नहीं है वो खेत काले रंग का नज़र आता है, ऐसा। यानी कि इसमें अभी कुछ नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक और इसमें देखो वीड भी है, वीड मारा नहीं भाई ने। तो ये 2 नंबर पे मैं काम करता हूँ, प्लांटर लेके आता हूँ 3-4, और भाई यहाँ पर प्लांटिंग कर देता हूँ बढ़िया सी। यहाँ पर कोई फसल लगा देता हूँ, यहाँ लगा देता हूँ मैं लेटिस, तो मैंने वहाँ लगा दी नहीं, यहाँ पर लेटिस लगा दूँगा, वहाँ तो मैंने पॉपुलर लगाई है। तो यहाँ पे लगाते हैं लेटिस, और एक में लगा देंगे दूसरी फसल। इसमें लगा देंगे प्याज या शुगर, प्याज या गाजर। और एक मिनट देखता हूँ इसकी, इसको भी प्लोइंग की ज़रूरत है क्या, नहीं भाई इसको भी अभी प्लोइंग की ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड भाई, चलो ठीक है, चलो मिलता हूँ थोड़ी देर में। वहाँ जरा वहाँ पर प्लांटर प्लांटर सेट कर दूँ सारे अपने, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो लो गाइस 2 ट्रैक्टर थे मेरे पास खाली खड़े थे, इनको मैंने यहाँ पे बुला लिया है। और भाई यहाँ पर लेते हैं अपने प्लांटर, और प्लांटर अभी देखो अगर मैं आपको दिखाऊं तो बड़े बड़े जो हैं इसके अंदर, ये मोड नहीं है, ये गेम के अंदर है। ये है सबसे बड़ा, इसकी कैपेसिटी है 45,000 की। तो ये फर्टिलाइज़र और सीड लेके जाता है, तो ये सबसे बड़े बड़े हैं 45,000 के। ये आए हैं नए, लेकिन ये छोटे, इनकी कैपेसिटी छोटी है। तो मेरे पास है एक बहुत ही शानदार मोड अपना, ये वाला। ये सारी फसलें लगाएगा, देखो गाजर, लेटिस, इसमें कैबेज नहीं है, इसमें रेड कैबेज है, लेकिन इसमें प्लेन वाली जो कैबेज होती है बंद गोभी वो नहीं है। तो चलो अभी मैं प्लांटर ले लेता हूँ 2 किराए पे यार, अभी पैसे तो यार खरीद सकता था। ओह तो चलो अभी किराए पे ले लेते हैं, फिर उनको बेच के वापस दोबारा ले लेंगे दूसरा। तो यार अब ना मेरे को यहाँ पर भाई मोड लगाना पड़ेगा, क्योंकि बार बार फसल भाई, इतना सारा बीज मैं भरने बार बार जाऊंगा तो मेरी तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो देखो इसमें इतने सारे मोड थे, मैंने सारे निकाल दिए भाई, देखो कितना साफ सा लग रहा है, लग रहा है ना बढ़िया। और ये लगा लेते हैं मल्टी फिलिंग स्टेशन यहाँ पे कोने पे, इधर लगा देता हूँ, क्योंकि इस तरफ तो आएंगे नहीं, इस तरफ तो कोई मतलब ही नहीं आने का, तो इस कोने पर लगा देते हैं बस यहाँ पे। तो इनको भर के अब लैटिस से लगाता हूँ यहाँ पर मैं, लैटिस से देखते हैं भाई कितना माल मिलने वाला है। पहले लगाते हैं बड़ा वाला ट्रैक्टर भाई, ये बहुत ही बड़ा ट्रैक्टर है यार, 8-11 तो कुछ भी नहीं लग रहा इनके सामने, इसके सामने भाई 69-11 बच्चा सा लग रहा है। तो उस प्लांटर की तो मैंने कैपेसिटी बढ़ा दी थी, वो है प्लांटर, यह है सीडर। तो वैसे तो ये भी सीडर, प्लांटर तो सारे होते हैं। तो इसमें सेट कर देता हूँ मैं लैटिस पहले ही भाई, बाद में भूल जाऊँगा। तो लैटिस, ये भाई लैटिस आ गई, तब देखते हैं लैटिस कितनी मिलेगी। वैसे तो ये खेत 200 एकड़ का है भाई, तो अरे यार ये घूमेगा भाई, इसको घुमाना पड़ेगा, बहुत लंबा है ये, घूमने में दिक्कत करता है। तो अभी अपनी वीट भी कट जाएगी, फिर उसके बाद वीट बेचते हैं। तो ट्रैक्टर भाई और लेने पड़ेंगे कई सारे। तो वैसे मेरे पास डंपर भी हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी कम है, डंपर बड़ा वाला लेना पड़ेगा। तो डालते हैं इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र, अच्छा इसकी कैपेसिटी भाई कम है, 50,000 है। और सीड डालते हैं, अब सीड अभी थोड़ा आगे करना पड़ेगा। तो इसकी सीड की कैपेसिटी पता नहीं मैंने कितनी करी थी, मुझे ध्यान नहीं है, इसकी भी शायद 2 लाख कर दी है, मुझे मैंने करी थी मुझे याद नहीं है। हाँ भाई कर दी, 2 लाख करी है मैंने, तो 2 लाख कैपेसिटी भाई। वैसे तो 50,000 होती है मैक्सिमम, लेकिन मोड है, मोड के अंदर तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो भाई एक मिनट, 9-11 को वहाँ से हटाना पड़ेगा।
तो मैंने कहा यार आज आपको ये भी दिखाया जाए कि सीडिंग वीडिंग में कैसे करता हूँ। चैलेंज में, पिछले चैलेंज में मैंने दिखाई थी आपको, और तब तो मैंने बहुत बड़े बड़े मोड बनाए थे। इस बार मैंने ज़्यादा मोड बड़े नहीं बनाए, मैंने सिर्फ कैपेसिटी बढ़ाई है थोड़ी थोड़ी। खुल जा भाई खुल जा। तो लो भाई अब लगाते हैं यहाँ पर लैटिस। अपना ट्रैक्टर ये लगाएगा फेंडेट भाई, बहुत ही सॉलिड ट्रैक्टर है, बहुत ही धांसू, और ये कल्टीवेट भी कर देगा। तो ये सबसे बड़ी बात ये है कल्टीवेटिंग की, नहीं तो इसको कल्टीवेट करना पड़ेगा तो भाई बहुत टाइम लगेगा यहाँ से। लो भाई ये लगने लगी लैटिस। अब दबाते हैं यहाँ पर हेल्पर, और शू आ गया, और शू भाई तो करते हैं यहाँ पर, और मैं चलता हूँ इसके अंदर। चलो मैं इसको भरता हूँ जल्दी से, और भाई दूसरे कोने पे पहुँचता हूँ जल्दी। तो लो भाई भर लिया मैंने, इसमें भी लिक्विड फर्टिलाइज़र और लैटिस का बीज मैंने सेट कर दिया है, तो इसको ले चलते हैं दूसरे कोने पे। भाई स्पीड बहुत ही गदर है इसकी, ये करंट लगा दिया। चलो यार, तो अब इसमें मेरा टारगेट रहेगा 50 मिलियन तो रोज मिले, ताकि 20-25 दिन के अंदर ये अपना चैलेंज पूरा हो जाए। तो अभी तो कुछ जानवर भी नहीं लिए, पैसे वैसे जब आएंगे थोड़े से तो भी लेंगे भाई। इकट्ठी गायें भर दूंगा मैं 400-500, ऐसे थोड़ी थोड़ी नहीं लूँगा, एक ही बार लूँगा बस ज़बरदस्त, क्योंकि यार फिर कुछ फ़ायदा तो हो, दूध वगैरह मिलेगा अच्छा सा, और उनको सैलेज वैलेज बना के खिलाएँगे या खरीद के खिलाएँगे। देखेंगे टाइम मिल गया तो भाई बना लेंगे, अगर नहीं टाइम मिलेगा तो फिर भाई ख़रीद के ले आएँगे और क्या। तो अब लगाते हैं इसको कोने पे, थोड़ा सा और बाहर जाएगा भाई, थोड़ा सा और दिक्कत है, नहीं तो अंदर बार बार लगेगा नहीं कोने पे, फिर प्रॉब्लम होगी बाद में। ओके भाई अब सेट है, तो यहाँ करते हैं इसको ऑन, बी वी से डाउन, और दबाते हैं क्रूज मोड। लो भाई ये आ गया, ये सेट हो गया भाई। यहाँ पे लगने लगी अपनी लैटिस, अब देखते हैं लैटिस का बीज कितना लगता है। और ये चारों भाई लगे हुए हैं अभी काटने, अभी इस भाई ने एक लाइन भी नहीं लगाई, और भाई खेत देख रहे हो यार कितना ऊंचा है, देखो ये दिक्कत है, क्योंकि प्लांटर ये ट्रैक्टरों का बहुत दम लग जाएगा भाई इतनी ऊंचाई पर चढ़ते चढ़ते। ये पता नहीं इतने ऊंचे ऊंचे खेत क्यों बनाए हैं, वो वाला खेत एक नंबर सही है, दो नंबर पे दिक्कत है, दो नंबर थोड़ा सा ऊंचा है। चलो इसने वन थिंग ने कितना कर दिया भाई, इसका भी अभी तो काफ़ी रहता है, तो यहाँ पर तो एक ही प्लांटर बहुत है, और वहाँ पर मैंने दो लगा दी, और प्लांटर के लिए ये सॉरी पॉपुलर के लिए फिर लगाएंगे वही वुड चिप वाला मोड, और वुड चिप बना के भाई वुड चिप बेचेंगे। तो इसका वुड चिप का पॉइंट इसके अंदर है शुगर है कि मुझे लगाना नहीं पड़ेगा। और इसमें यार वुड चिप का रेट देखो 1100 रुपया, और वैसे वुड चिप का रेट जो है इंडियन फार्म के अंदर था 100-150 रुपया, और नो मैंस लैंड के अंदर था 500 रुपया। तो भाई इतना फ़र्क है यार, इसमें रेट ज़्यादा है। इस खेत में कुछ दिक्कत है, ट्रैक्टर पता नहीं उछलते क्यों हैं। अर्जुन का ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा उछल रहा था, मैंने उसको बेच दिया अभी, तो अर्जुन ब्लैक वाला, अब मैंने इसकी जगह ये ले लिया हिंदुस्तान, और एक ये। तो अभी मैं इंग्लिश ट्रैक्टर भी लेने वाला हूँ, एक दो लूँगा अगर ज़रूरत पड़ेगी, अभी ज़रूरत तो पड़ेगी भाई क्योंकि इनका काम स्लो चलेगा। चलो ये लगा रहे हैं दोनों, और ये चारों भाई लगे हुए हैं काटने, देखता हूँ एक बार देखो इसके बाद बीज कितना रह गया। एक लाइन के अंदर भाई देखो बीज काफ़ी सर लग, ये खेत ना मिल नहीं सकते भाई, बीच में रोड है इसलिए दिक्कत है। तो जो खेत ये ओरिजिनल है उसी में काम करना पड़ेगा। तो लो भाई इसका बीज देखो कितना लग गया, एक बार में 1,97,000, 3,000 बीज लगा एक लाइन में। चलो ये घूम जाएगा अपना बढ़िया सा और लगा देगा, क्या हुआ चल क्यों नहीं रहा, चल रहा है। भाई मुझे ये चेक करना है कि यहाँ पर हेल्पर काम कर रहे हैं कि सही तरह, नहीं ठीक है चला गया। और राजपूत अजय, यहाँ पे राजपूत अजय, और यहाँ पे पता नहीं कौन आया भाई, यहाँ पे अर्शु। तो यहाँ से मिलने वाली है 1 मिलियन हमें गेहूं, 1 मिलियन गेहूं वीट मिलेगी, 1 मिलियन वीट का रेट देखता हूँ एक बार, वीट का रेट क्या चल रहा है भाई, 800 रुपये चल रहा, तो 1 मिलियन के हमें मिल जाएंगे $8,00,000। चलो भाई 7-8 लाख डॉलर मिलेंगे। चलो ठीक है, मैं अपनी ट्रॉली लेके आता हूँ, और ये जो स्ट्रॉ पड़ी है इसको इकट्ठी करनी शुरू करता हूँ, क्योंकि भाई मैं टाइम ख़राब नहीं करूँगा ना, तो स्ट्रॉ इकट्ठी करके रख लेता हूँ, और फसल नहीं देखता हूँ, ये कट जाएगी तो इसको बेच देते हैं, अगली बार ही कटेगी मुझे लगता फसल। इसके अंदर मैं अभी प्याज या गाजर लगा दूँगा, तो इसके बाद मैं पहले स्ट्रॉ उठाऊँगा, उसके बाद प्याज गाजर लगाऊँगा, और उसके बाद फिर भाई अगली बार इसको काटेंगे, ठीक है। तो अभी तो ये आज हम जितना काम हो सकता है उतना ही करेंगे। चलो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर में।
तो लो गाइस, मैं स्ट्रॉ तो उठा रहा हूँ अभी, और मेरे पास एक ट्रैक्टर था केस का, उसको भाई मैंने बेच दिया। वो बहुत ही कम हॉर्स पावर का था, और मैंने लिया क्लास का एक ट्रैक्टर नया, और ये है भाई 450 हॉर्स पावर का। तो खेत नंबर 12 जो है वो है भाई अपना 173 एकड़ का, और ये दोनों खेत हैं 273 एकड़ के, यानी कि उससे भाई 200 गुना ज़्यादा है, 100 मतलब। तो मेरी नज़र है इन इन फील्ड के ऊपर भाई, ये 42 नंबर है 8 मिलियन का, तो ये है 800 एकड़ का। और एक खेत है भाई यहाँ पर 17 नंबर, एक मेरी नज़र है इसके ऊपर, इसको ख़रीदना है, लेकिन भाई ये बहुत महंगा है। ये है 24 मिलियन का, और ये है 2400 एकड़ का। तो और एक भाई 60 नंबर है, 60 नंबर भी है 1000 एकड़ का। देखो अगर ये दोनों ले लिए और वो तीसरा, तो भाई अपनी लाइफ झिंगा लाला हो जाएगी। तो ये 24 और 10 और 10 और 10 34 मतलब 50 मिलियन के आसपास चाहिए पैसा, 50 मिलियन। तो मैं बड़े बड़े खेत जब लूँगा तो मैं सोच रहा हूँ ये एक नंबर दो नंबर खेत को भाई बेच दूँगा, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना इतने सारे खेत रख के, मैं कितने खेत काटूँगा। तो अभी देखो तो काम हो गया भाई इनका, इन्होंने भी लगा ही दिया लगभग आधा खेत तो कर ही दिया, और इनका काम ख़त्म होने वाला है। अवंती का काम अभी नहीं ख़त्म हुआ, अवंती के पास एक बार चलूँ तो यार इसका बीज तो नहीं ख़त्म हो गया ना, तो भाई बीज नहीं ख़त्म होना चाहिए, बाकी इनका काम देखते हैं अभी। तो इनके अंदर बस दो दो लाइन बची हैं, तो एक काम करते हैं यार, 1 मिलियन तो मिला है सिर्फ गेहूँ, 1 मिलियन मिलने वाली है, तो 1 मिलियन ही मिलेगी भाई, इससे ज़्यादा तो मिलेगी नहीं, तो एक ही ट्रेलर लेना पड़ेगा इसके लिए, तो ज़्यादा ट्रेलर की ज़रूरत ही नहीं है। अभी तो मेरे पास ट्रॉली कोई भी नहीं है, तो ट्रॉली वगैरह मैंने काफ़ी सारी निकाल दी हैं। तो ये 5 लाख की है, ये 10 मिलियन की है, ये 1 मिलियन की है, तो यही ले लेते हैं 1 मिलियन वाली अभी फ़िलहाल, तो और इसकी ज़रूरत नहीं है ज़्यादा की। और भाई एक ट्रैक्टर मैं और ख़रीदने वाला हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि यार एक कहाँ गए ट्रैक्टर मीडियम, तो भाई अपना फेवरेट है स्वराज, एक स्वराज ले लेते हैं, तो वाइट वाला ले लेंगे, ये ब्लैक वाला है, एक मिनट ये लेंगे भाई वाइट वाला, ये इसको ले लेता हूँ मैं, एक खरीद लेता हूँ। तो ये हो गया भाई अपना स्वराज, और ये हो गया अपना ही भाई, इंग्लिश भी हो गए दो तीन, और दो तीन इंडियन भी हो गए, तो सारे भाई नाराज़ नहीं होंगे कि ये नहीं लिया वो नहीं लिया। चलो अब करते हैं अपना काम शुरू, स्ट्रॉ उठाता हूँ मैं जब तक, अरे अच्छा भाई बंद होगी मशीन, जब मैं उतर जाता हूँ तो मशीन बंद हो जाती है। तो ये मैंने इसलिए लिया है स्लो वाला, क्योंकि स्ट्रॉज धीरे धीरे उड़ती है, और ये भी मैंने बोर्ड बनाया हुआ है एक, बस चार चार लाइन इधर से उठाता है, 8 लाइन उठाता है इकट्ठी। वैसे पहले तो मैंने बहुत बड़ा बनाया था, लेकिन मैंने फिर बाद में छोटा कर दिया मैं चाहूँ मतलब चाहो तो एक ही मोड ऐसा बना सकता हूँ कि भाई इस पूरे फील्ड की स्ट्रॉ उठा देगा, लेकिन फिर मज़ा नहीं आएगा, तो ऐसे ठीक है, बस थोड़े थोड़े बड़े बड़े इतने बड़े मोड भी मज़ेदार नहीं लगते। तो ये अभी फुल मोडिंग, फुल तो नहीं है खैर, 25% है, 25% भी नहीं है, 10% है चलो खेत कटने के बाद मैं हार्वेस्टर को लगाता हूँ लाइन में, और इनसे इकट्ठी करके ना गेहूँ ये बेच के आता हूँ, और ये वाले जो हार्वेस्टर, ये प्लांटर और यहाँ वाला प्लांटर, ये तीनों फ्री हो जाएंगे, तो इनको भाई इस खेत पे लगा देता हूँ फसल लगाने के लिए। तो आज अगर देखूँगा कितना टाइम हो जाएगा, अगर आज टाइम मिला तो आज ही काट देंगे भाई, नहीं तो अगली बार काटेंगे, कोशिश करता हूँ कि आज ही हो जाए, तो भाई बढ़िया है, आज ही पैसे आ जाएंगे, तो फटाफट से अपने बड़े बड़े खेत खरीद हो जाएंगे, तो देखेंगे अभी क्या होगा। तो लो गाइस, सारा काम ख़त्म हो गया, गेहूं कट गई भाई, सारे हार्वेस्टर मैंने वहाँ पर सेट कर दिए, एक हार्वेस्टर भाई इधर आ गया था, तो उसको तो मैंने अभी उधर लेके नहीं गया हूँ, क्योंकि बहुत दूर है वो खेत, वो खड़े हैं खेत के दूसरे कोने पे, यह है इस कोने पे, तो इसको यहीं पे रहने देता हूँ अभी, और इससे यहीं पे गेहूं डाल लेते हैं। वीट मिली है अब इसके 2.5 लाख मिली है, मतलब सबको 1 मिलियन के आसपास, तो इसको अभी यहीं पर रहने देते हैं, और चलते हैं भाई अब स्वराज के अंदर। और स्वराज के यार, ओ यार ये टायर कैसे ले लिए यार, पतले टायर क्यों लिए, मोटे टायर वाला चाहिए था भाई, चलो बाद में चेंज कर लेंगे जब पैसे आएंगे, अभी ऐसे चलने देते। अच्छा टायर भाई चेंज करने थे, मितास के मोटे वाले लगा लेते, चलो पतले ठीक हैं, तो भाई इसको लेके चलते हैं अब स्वराज को उधर, उस कोने पे खड़े हैं भाई अपने तीन, और स्ट्रॉ तो अभी उठाई नहीं है, और इनको देख लेते हैं भाई, इनका काम हो गया। अच्छा अवंतिक ने काम ख़त्म कर दिया, लो भाई बहुत बढ़िया। इनका भाई एक लाइन रहती है बस, दो थोड़ी सी, ये बस दो लाइन वो लगाएंगे तो हो जाएगा काम। तो चलो मैं पहुँचता हूँ इनको लेके हार्वेस्टर के पास एक बार।
तो यहाँ खड़े हैं भाई 3 हार्वेस्टर। चलो इनमें से लेते हैं फटाफट वीट, निकालते हैं अपनी ट्रॉली के अंदर। ट्रॉली मैंने आज ही के लिए भाई, क्योंकि ज़्यादा माल तो ज़्यादा फसल नहीं मिली हमें, इतनी ज़्यादा नहीं है, तो इतनी सारी ट्रॉली लेके क्या करूँगा। अगली बार जब भाई जब मिलेगी 50-50, 100-100 मिलियन फसल तो मज़ा आएगा ना कुछ, अभी तो थोड़ी सी है। चल भाई डाल दे फटाफट से। ओके ओके डाल दे भाई, जल्दी कर भाई, प्लांटिंग भी करनी है अभी। मुझे लगता है आज तो नहीं कट पाएगी भाई फसल, शायद देखता हूँ यार आज मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भाई अभी स्ट्रॉ उठानी है, बहुत सारी स्ट्रॉ है, इसको उठाने में आधा पौना घंटा लगेगा अभी। चलो देखते हैं जो होगा। और मैंने यहाँ पर दोनों इकट्ठे लगा दिए थे ताकि भाई जल्दी से सामान आ जाए। अच्छा वीट का रेट देख लेते हैं जब तक भाई, वीट कहाँ पर बिकेगी। भाई 799, 799 रुपये, ग्रेनी सुपर मार्केट, तो इसको ढूंढना पड़ेगा मैप के ऊपर, ढूंढते हैं कहाँ पर है ये ग्रैनी सुपर मार्केट। भाई यहाँ पर है, ओ भाई मैं यहाँ पर इस रोड से निकल के, ओ भाई यहाँ पर रोड नहीं है, यहाँ से आके ऐसे आके, ओ भाई ऐसे आके यूँ आना पड़ेगा, यहाँ ऐसे आके फिर भाई बहुत दूर है। चलो चलते हैं, इसको अनटैग, तो टैग कर दिया मैंने। चलो मैं पहुँचता हूँ वहाँ पर और बट अपनी वीट लेके, उसके बाद देखते हैं भाई कितने की बिकेगी और उसके बाद करते हैं अगला काम। तो लोग गाइस पहुंचा मैं उसके पास, भाई बहुत ही दूर है यार पॉइंट, काफ़ी दूर दूर बना रखे हैं भाई, मतलब मैप बड़ा है ना बहुत ज़्यादा। अभी तो मैप 4 किलोमीटर लंबा है, अगर भाई 16 किलोमीटर लंबा होता तो फिर क्या होता। अच्छा भाई यहाँ पे देखो पेट्रोल पम्प भी है, अच्छा तो पेट्रोल पम्प के पास है। ओके चलो भाई यहाँ पे देखें, बाद में देखेंगे यहाँ पर क्या क्या मिलता है और क्या क्या सामान है। यहाँ पर भाई खेलने कूदने के लिए जगह बनी हुई है, देखो वहाँ पे। ओ भाई ये यार सीधा नहीं, थोड़ी सी इसकी हिचकी प्रॉब्लम है, ये सीधा नहीं चलता, थोड़ा थोड़ा इधर उधर भागता है। लो भाई आगे आखिरकार पॉइंट यहाँ पर बिकेगी। तो भाई लगा रखे हैं साइन बोर्ड, देखो क्या बढ़िया बड़ी लगा रखे हैं बोर्ड, क्या लिखा हो भाई, हैदराबाद लिखा हाइपर फास्ट हाइपर टेस्टी। कौन सा पिज्जा है भाई ये, हाइपर क्यूब पिज्जा। ओ भाई पिज्जे की दुकान है भाई, पिज्जा विज्जा खा लो। ओ यार ये शुक्र है पॉइंट अच्छा है। ओ ये शॉप है क्या, ये क्या चीज़ है भाई यहाँ पर, अभी देखते हैं भाई यहाँ पर। तो पिछली बार हमने रेंच देखी थी, वहाँ पर रेंच थी, तो चलो इसको बेचते हैं, आप देखते कितने की जाती है। 8 लाख की जाएगी बस। लो भाई 7,72,000 की गई, ज़्यादा भी नहीं गई। तो यहाँ पर यार कुछ बना हुआ है, ये देखो ये लेडली स्टोर, अच्छा बैंक कैश, एटीएम लगाओ भाई एटीएम, तो आर दबा के इसमें एटीएम यहाँ से पैसे ले सकते हैं। तो अभी तक तो भाई लैंड परचेज देखो बहुत घाटा हो रहा है अभी तो, बीज भी देखो 7,15,000 का आज लगा, 7,35,000 का पिछली बार लगा था, तो 1.5 मिलियन का बीज लग चुका अपना अभी तक, लेकिन अभी हम प्रॉफिट में हैं 4.9 मिलियन। तो हेल्पर संजू और हेल्पर अर्शु ने काम ख़त्म कर दिया। अरे वाह भाई एकदम परफेक्ट, अरे वाह भाई वाह, देखो इनको भाई बहुत ही बढ़िया। तो गेहूँ अपनी भाई इतने की बिकी और हवाई इनकी हालत देखो, ओए ओए ओए। तो एक काम कर सकते हैं, एक नंबर खेत पे भी लैटिस लगा दी जाए क्या, तो यहाँ गाजर लगा दी जाए, क्योंकि मैं सोचा था लैटिस मिल जाती एक बार, तो लैटिस बेच के देखते कितने मिलती है, अगली बार गाजर लगा देंगे, तो ये भी कर सकता हूँ वैसे तो। तो चलो मैं अभी दूसरे पे भी लैटिस लगाता हूँ और पहले मैं स्ट्रॉ उठाता हूँ भाई, स्ट्रॉ जब तक नहीं उठेगी तब तक अपना काम नहीं होगा। नहीं वैसे तो मैं इसको लगा सकता हूँ, मैंने काफ़ी सारी स्ट्रॉ तो उठा ली है कोने से, तो इसका कोना भी भाई देखना पड़ेगा इस तरफ है भाई, इधर से पास है उधर तो जाना बहुत लंबा पड़ेगा। तो अभी मैं काम करता हूँ इस पर, एक ही हार्वेस्टर एक ही प्लांटर लगाता हूँ जब तक मैं स्ट्रॉ उठाता हूँ, और ये जब तक जितनी प्लांटिंग करेगा मुझे हिसाब से देखना पड़ेगा। तो लैटिस लगा देता हूँ दोनों के अंदर, देखी जाएगी यार जो होगा देखी जाएगी भाई, कुछ तो मिलेगा, $20-25 million तो मिलेंगे शायद इसके। अब वो तो भाई जब कटेगी फसल उसके बाद पता चलेगा कि कितने मिलियन मिलती है, अभी तो कोई पता नहीं है। और हालत देखो इसकी, ओहो हर प्लांटर की हालत ऐसी हो रही है भाई, बहुत ही गंदी बहुत ही बुरी हालत में है ये। तो इसको मैं अभी लगा देता हूँ यहाँ पर और उसके बाद मैं स्ट्रॉ इकट्ठी करनी शुरू करता हूँ। अब देखता हूँ भाई स्ट्रॉ अपने को आज कितने मिलियन मिलने वाली है यहाँ से। तो अगली बार तो हम वीट लगाने वाले नहीं हैं, वीट
तो अगली बार तो हमें स्ट्रॉ इकट्ठे नहीं करनी पड़ेगी। चल भाई आजा पीछे 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 पीछे, इधर को इधर को इधर को, बस 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 ठीक है भाई। थोड़ा सा कोना कोना छोड़ेंगे नहीं ना, हाँ यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ लगा देते हैं हेल्पर, लैटिस लगा देते हैं भाई। चलो यहाँ भी यार मन में कुछ कभी कुछ आता है कभी कुछ आता है तो पता नहीं है। चलो इसको लगाने देता हूँ, मैं चलता हूँ इसके अंदर और हार्वेस्टर वेस्टर वापस कर देता हूँ मैं सारे, और मैं पहले स्ट्रॉ उठा के और फिर लैटिस लगा के फिर आपको मिलता हूँ, देखते हैं उसके बाद क्या होगा। तो स्ट्रॉ तो मैंने उठा ली है भाई सारी, और अब 5911 को लगाते हैं यहाँ पे। 5911 आ जाए भाई, और अब चलता हूँ मैं स्ट्रॉ बेचूँगा, देखता हूँ कितने की बिकती है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ ज़्यादा तो नहीं मिली भाई, 4 मिलियन के आसपास मिली है, मुझे लगा था 8-10 मिलियन मिलेगी लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं मिली। तो पहले मैं ज़रा इसको सेट कर दूँ यहाँ पर। तो लैटिस लगाने हैं यहाँ पर भी, और उस भाई ने तो लगा भी थी काफ़ी सारी। चल भाई 5911 खोल देते हैं, फटाफट खोल दे भाई। इनको धोने में भी भाई 1 घंटा लगने वाला है क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके हैं। तो ये बहुत ज़्यादा बाहर जा रहा है, इसका थोड़ा सा अंदर करना पड़ेगा। ले आ ले आ ले आ पीछे ले आ, बस 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 थोड़ा इधर घुमा, बस ठीक है। ओके ओके सेटिंग है भाई, चल ठीक है ओके, करते हैं इसको ऑन और चल भाई चला दे। तो भाई यहाँ लगा देते हैं हेल्पर, और जाट भाई, जाट और पन्नू भाई आ गए। इसने तो देखो इतना सारा खेत कर भी दिया। ये खेत देखने में इतना छोटा लगता है यार, लेकिन भाई बहुत बड़ा। तो ये बिकेगी भाई हमारी बेल्स सेल्स, बेल्स सेल्स। तो ये मेरे घर के पास, ये अपने शॉप के पास ही है, चलते हैं वहाँ पर फटाफट इसको बेच देते हैं। तो 80 रुपये रेट है, 8×24, चलो 2-2.5 लाख डॉलर मिलेंगे। तो यार जितना अभी पैसा आ जाए उतना बढ़िया है ना, क्योंकि ना उसके हिसाब से अगली प्लानिंग होगी। तो 10 मिलियन डॉलर थे, 10 में से 5 मिलियन के तो खेत ले लिए मैंने, तो 5 के खेत आ गए, अभी हमारे पास 5 मिलियन डॉलर बचे हैं। तो अगली बार जब पैसे और आएंगे लेटिस बेच के, फिर मैं सोच रहा हूँ कि 42 नंबर खेत को लूँगा, बड़ा है भाई वो काफ़ी, 800 एकड़ का है, तो उसके अंदर लगाएंगे कि अच्छी सी फसल। तो जो फसल पैसा ज़्यादा देगी उस फसल को लगा के भाई बेचेंगे। तो भाई इधर ही है पास में, चलते हैं इधर फटाफट। तो ट्रैफिक नहीं चल रहा है क्या, ट्रैफिक बंद है क्या? तो इस फील्ड में, इस मैप में क्या दिक्कत है? बाकी खेत तो सही है, मैप की सड़कें बहुत अच्छी हैं, प्लेन है, लेकिन इन भाई ने खेत देखो इतने ऊंचे ऊंचे करके टीले, ये जानबूझ के बना रखे हैं शायद, मतलब फन के लिए। अगर प्लेन प्लेन होती तो मज़ा नहीं आता। और देखो इतना बड़ा मैप है, अभी तक ये पूरा कैश नहीं हुआ, तो मैंने कैश की फाइल भी आज डिलीट करी थी, अभी वो कैश हुई नहीं है, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी गेम अटक रही है, क्योंकि काफ़ी बड़ा है ना तो मैप, इसको दिक्कत होती है। तो शॉप के पास ही दिखा रहा है पॉइंट, अगले पॉइंट पे है। चलो अब मैं इसको ले चलता हूँ जल्दी से, ये अभी अपनी शॉप, तो शॉप के पास ही अपना फार्म हाउस। एक फार्म हाउस में और दिक्कत है ना, फार्म हाउस जो इसका भाई ने बनाया है ना, उसमें इतने सारे शेड वगैरह नहीं है, तो ये भी दिक्कत है। तो शेड नहीं है इतना, ओ भाई इधर 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 भाई शॉप के पीछे जाके। तो इतने सारा अगर मैं हार्वेस्टर और प्लांटर ले लूँगा तो भाई मैं खड़े कैसे करूँगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो किराए पर ले लेके काम चलाना पड़ेगा, या फिर नया फार्म हाउस बनाना पड़ेगा, अब उसके लिए तो फिर बहुत टाइम लगने वाला है। तो बार नहीं, ये बार्न पे बिकेगी, तो बार्न होती है जिसमें स्ट्रॉ और वगैरह सामान, अपना घोड़े भी रख सकते हैं बार्न के अंदर, और भी सामान रख सकते हैं, टूल रख सकते हैं। तो ज़्यादातर तो स्ट्रॉ ही रखते हैं, पैडिंग मतलब जानवरों के सोने की जगह बना सकते हैं, खाने पीने का सामान रख सकते हैं। तो ये है भाई पॉइंट, यहाँ बेल का पॉइंट एक ही है, 2 पॉइंट दे रखे हैं भाई ने वैसे, लेकिन बिकेगी अभी यहाँ। अच्छा तो यहाँ से हमें भाई स्ट्रॉ वगैरह भी मिल जाएगी, देखो। तो ये पॉइंट बना रखा है साइलो मास्टर, यहाँ पर भी लगी है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो एक मिनट, यहाँ पे अगर ख़रीदें, हाँ स्ट्रॉ मिल जाएगी हमें यहाँ से भाई, स्ट्रॉ हे वगैरह सब मिल जाएगी। तो ये पॉइंट का भी पता चल गया, चलो और देखो अंदर जाके। ये वो वाला मोड है जो कैनेडियन फार्म के अंदर नहीं है, वही वाला मोड है सेम, थोड़ा सा चेंज कर दिया भाई ने। तो यहाँ पे बिकेगी स्ट्रॉ, बेच देते हैं जल्दी। तो इसका थोड़ा सा भाई ने चेंज कर दिया है, तो अगर आपने कैनेडियन फार्म 5
और सिक्स देखा होगा तो उसके अंदर ऐसा मॉड देखने को मिलता है। चलो इसको बिकने देते हैं, देखता हूँ बाद में, अभी तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये गई भाई अपनी आज स्ट्रॉ, बची है बस 1 लाख बची है। अब देखते हैं भाई, 5 मिलियन तो टच करा दिए इसने, 5.2 मिलियन सॉरी, तो 3,17,000 की बिकी और 5 लाख की 7 लाख की बिकी थी वो 7-8 लाख की, तो मतलब आज 1.1 मिलियन का चलो फ़ायदा तो हुआ। तो अभी इसमें देखते हैं, एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, मेरी ट्रॉली खाली हो चुकी है ना, तो पहले तो उसमें स्ट्रॉ थी इसलिए मिल नहीं रहा था। यहाँ पर देख लेते हैं किस पॉइंट पर क्या क्या माल मिलता है भाई, एक मिनट जरा, हाँ पता लगेगा। तो इसमें क्लोवर विंड्रो और स्ट्रॉ हे ग्रास क्लोवर एल्फा एल्फा विंड्रो और साइलेज चाफ, अच्छा भाई चाफ भी मिल जाएगी। अच्छा तो यहाँ से हमें कॉर्न, तो ये साइलो मास्टर है, यानी कि इसमें मतलब ये लगता है सारे सामान मिलेगा। देखो तो मतलब इसमें पशुओं का चारा मिलेगा सिर्फ, तो इसमें वो नहीं मिल रहा, TMR फूड नहीं मिल रहा। तो ये देखो केन मल्च, ये भाई नई चीज़ें आई हैं, सोयाबीन की स्ट्रॉ भी बना सकते हैं अब हम। अच्छा जी, तो पहले तो नहीं बनती थी यार, ये कैसे बन जाएगी अल्फा अल्फा है, ये तो मैंने आपको दिखाई थी, क्लोवर की साइलेज मैंने आपको दिखाई हुई है, क्लोवर के विंड्रो और स्ट्रॉ, यहाँ पर ये माल मिलेगा। चलो ठीक है, तो पता तो लग गया इस पॉइंट का भाई, देखो इतनी दूर पॉइंट बनाया है। चलो इस ट्रॉली को अभी मैं यहीं पर खड़ी कर देता हूँ, इसी पॉइंट पर पीछे कर देता हूँ थोड़ा सा, बाद में ले जाऊँगा इसको, क्योंकि अभी तो टाइम लगेगा। अब चलते हैं वापस, और इस इन दोनों भाइयों ने अभी काम नहीं किया, इसने कर दिया है, इसको बंद कर देते हैं यार, ये खड़ा हुआ बेचारा ऐसी, चल भाई बंद हो जा। तो पॉपुलर का बीज अपना लग गया भाई, कम कितना लग गया, 2 लाख में से 1,22 बचा, तो भाई 80,000 के आसपास, 80,000 के आसपास बीज लगा। तो उनका भी लैटिस का भी इतना नहीं लगा, लैटिस का कम लगा है, पॉपुलर का ज़्यादा लगा है। तो लैटिस कम, लैटिस का बीज मतलब कम लगता है और लैटिस मिलती बहुत ज़्यादा। चलो इसको मैं बाद में धोता हूँ, और अभी यार क्या करूँ मैं, अभी तो बहुत टाइम लगेगा इसमें, तो अभी चलते हैं इधर, एक मिनट देखते हैं कितना काम है इनका भाई, अभी तो ये लगी नहीं है, अभी ये लगेगी, फिर इसमें वीड आएगा, फिर मुझे वीड मारना पड़ेगा, फिर मुझे फर्टिलाइजिंग करनी पड़ेगी इसकी इसकी भी। और वीड वैसे तो मैंने बंद कर दिया था, आपने बोला था, तो क्या करें, वीड को ऑफ़ रखें कि ऑन रखें बताओ जल्दी से कमेंट करके बताना, ऑन रखना ऑफ़ रखना, उसके हिसाब से फिर मैं इसको वीड मारूंगा, या फिर वीड को ऑफ ही रहने देते हैं। मैं तो सोच रहा हूँ क्या करना है वीड का, तो फर्टिलाइजिंग कर देंगे 100%। और फर्टिलाइजिंग के लिए गैराज के अंदर अगर हम देखें तो सबसे बड़ी मशीन ये वाली है, तो इसकी कैपेसिटी लेकिन बहुत कम है, ये मुझे बढ़ानी पड़ेगी, कि नहीं तो मैं इसको भाई ये बार बार बहुत बार भरनी पड़ेगी, इसकी कैपेसिटी कम से कम 50,000 या 40,000 करनी पड़ेगी। तो ये तो गेम के अंदर है, तो गेम का वाला मोड मैं उसको नहीं छेड़ सकता, ये गेम का, गेम के अंदर है, तो इसका मुझे मोड ढूंढना पड़ेगा, रूबिकॉन 9000 का मोड जो मुझे बाहर से मिल जाए कहीं से, तो होंगे बनाए होंगे भाइयों ने, किसी ना किसी ने बनाया होगा, तो उस मोड को लगा के और फिर मैं उससे फर्टिलाइजिंग कर सकता हूँ। अच्छा मैंने इससे जो प्रॉब्लम बताई थी ना आपको, इससे जो प्रॉब्लम आ रही थी, वो प्रॉब्लम आ रही थी किसी मोड की वजह से, तो आज मैंने कम से कम 400-500 मोड हटाए हैं, तो किसी ना किसी मोड में दिक्कत थी, उस मोड की वजह से ये इस मैप में दिक्कत आ रही थी, अब ये मैप सही हो गया, मतलब ये मैप सही ही था, मोड की वजह से प्रॉब्लम थी। तो यार पता नहीं होता भाई कौन सा मोड बनाते हैं लोग, कैसे कैसे मोड बनाते हैं, समझ नहीं आता। तो चलो गाइस एक काम करते हैं, उतर जाता हूँ मैं इससे एक बार, और भाई ये ठीक है, तो यार अब मैं इसको यहीं पर एंड कर देता हूँ, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगेगा, अगली बार हम पॉपुलर और लैटिस काट के जितना पैसा मिलेगा उसके बाद भाई 42 नंबर खेत पे मेरी नज़र है, क्योंकि वो 800 एकड़ का है 42 नंबर, और इधर 2 खेत और थे, मैंने आपको पहले भी दिखाए थे यार, मैं उनका नंबर बोलता 17 नंबर, हाँ 17 और 60, तो ये 3 खेत पे मेरी नज़र है, बस ये 3 खेत मुझे मिल जाए ना, तो भाई मैं रोज़ का 100 मिलियन कमा सकता हूँ, और 10 दिन के अंदर ये मिशन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके लिए भाई पैसा चाहिए। तो 42 नंबर खेत तो मैं अभी अगली बार शायद ले लूँगा, क्योंकि अगली बार पैसे आएंगे, तो 2-4-5-6 एपिसोड के अंदर सेटिंग हो जाएगी हमारी, अभी सेटिंग में टाइम लग रहा है, क्योंकि अभी नया नया काम शुरू करा है ना हमने तो चलो ठीक है, जितना आज का वीडियो जितना हुआ, जितना गेम प्ले हुआ, तो इतना ही बहुत है आज। तो अगली बार मैं फिर इसको तैयार करके रखूँगा लैटिस को, अगली बार मैं सीधे डायरेक्ट लैटिस काटूँगा और पॉपुलर काटूँगा, कोई कुछ नहीं फालतू कुछ नहीं करेंगे, ना हमें स्ट्रॉ उठानी होगी, ना हमें कुछ और काम होगा।
तो फिर अगली बार ही अगर पैसे वैसे हो जाएंगे तो अपने पशु भी ले लेंगे, गाय ले लेंगे, बकरी वगैरह ले लेंगे, जो जो आएगा वो ले लेंगे। ठीक है, ये प्लानिंग चल रही है अभी तो मेरी। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये प्लानिंग और कैसा लगा आज का ये गेम प्ले वीडियो बताना कमेंट लाइक करके। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखिए, खाएं पिए स्वस्थ रहें और भाई एकदम मस्त रहें। ओके दोस्तों, बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले पार्ट के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।